हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर दीपक अडवाणी और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक वाइंस पर। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोज लॉन्च करता हूं, इसी रिगार्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन जेंटियाना ल्यूटिया येलो जेंटीन जिसका नाम होता है, उसके बारे में मैं विस्तृत से जानकारी देने का आपको इस वीडियो में प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। जिस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों की जो उनकी एपेटाइट होती है या उनकी भूख होती है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत से कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, उसी के रिगार्डिंग बहुत ही लाभप्रद और अति शानदार मेडिसिन मैं कहूंगा जेंटियाना ल्यूटिया के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा न्यू वीडियोज आपके समक्ष पहुंचाने का। स्टार्ट कर लेते हैं। येलो जेंटीन इसका कॉमन नेम होता है। ये डेसिएडस हर्ब होती है, सिलेंड्रिकल हर्ब होती है, ब्रांचिंग इसकी लीव्स होती है। स्पेशली ये फॉरेन कंट्री में कल्टीवेट होने वाला प्लांट होता है। इसके स्टेम्स से रिलेटेड चीजें बताऊंगा, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। सेसाइल ओवेट ब्राइट ग्रीन कलर की इसकी पत्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्लावर्स जो होते हैं आपको स्क्रीन शॉट पर दिख जाएंगे, येलो पेडिकुलेट टाइप के फ्लावर्स होते हैं इसके। स्पेशली बात करूंगा मैं इसका जो पोटेंसी यूज की जाती है वो की जाती है लोअर पोटेंसी, वो भी स्पेशली मदर टिंचर के रूप में काम में लिया जाता है, और जड़े जो है वो इस्तेमाल की जाती है इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। तो ये हुई कॉमन प्लांट के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जेंटियाना ल्यूटिया स्पेशली कहलाता है पॉजिटिव टॉनिक, ऐसा टॉनिक जो आपके बच्चों की स्पेशली बच्चों में और बड़ों में अडल्ट्स में इंक्रीज एपेटाइट और डिमिनिश्ड एपेटाइट जो होती है उसके लिए लिया जाता है, हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन रखता है। आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, जिन किन्हीं भी पेशेंट्स में या उनके बच्चों में उनको भूख नहीं लगती है, ऐसी कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना खाता है तो उसको लगता नहीं है, इसकी हेल्थ नहीं मेंटेन हो पा रही है, दुबला पतला है, इसके गाल पिचके हुए हैं, बॉडी नहीं बन रही है, तो उस चीज के लिए काम में आती है जेंटियाना ल्यूटिया मदर टिंचर। आपको स्क्रीन शॉट पर दिख जाएगा, ये मेडिसिन होती है। और हम इसको यूज कैसे करेंगे, 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में TDS 3 times a day हम इसको लेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। स्पेशली ये स्टोमक सिम्टम इसके मार्क्ड होते हैं, जैसा कि पेट में पेट से रिलेटेड लिवर पे एक्ट करेगा, आपकी पेंक्रियास पर एक्ट करेगा, इंटेस्टाइन के बाउल मूवमेंट्स को सही करेगा, बाउल्स के अंदर अच्छा मूवमेंट करता है। ड्राई थिक सलाइवा स्पेसिफिक सिम्टम होता है इस मेडिसिन का, जो सलाइवा होती है पेशेंट्स की या बच्चों के अंदर वो ड्राई थिक होती है। और उसके अलावा बात करूंगा आंखों पर भी इसका अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। इस मेडिसिन को हम दूर और पास की नजर अगर किसी पेशेंट्स की कम हो तो उसको भी रेगुलर यूज कर सकते हैं, और जो कंप्यूटर सेटिंग ज्यादा करते हैं उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो ये होल एंड सोल समरी में भी याद रखेंगे कि जिन किन्हीं भी पेशेंट्स का एपेटाइट कम होता है, हेल्थ नहीं बन रही होती है, उसके लिए जेंटियाना ल्यूटिया जो मेडिसिन है भूख बढ़ाने के लिए, हेल्थ मेंटेन करने के लिए उपयोग में ली जाती है, और तंदुरुस्ती के लिए भी आपको अल्फा अल्फा जैसे आपने नाम सुना होम्योपैथी के अंदर, उसी से सिमिलर और उसी के टक्कर की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसको भी अपने हम लोग डाइटरी शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इसके बारे में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर इसके बारे में या इसके अलावा ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त करने की चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन लिंक भी जरूर चेक करें, सारे IDs मौजूद हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके समक्ष जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।